पिछली रात यानी 30 अक्टूबर के दिन ही लोगों ने शरद पूर्णिमा के मौके पर आसमान में पूरे चांद का दीदार किया और अब आज यानी शनिवार 31 अक्टूबर को आसमान में एक और जादुई नज़ारा दिखने वाला है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 अक्टूबर की रात कोई भी टेलीस्कोप की सहायता से ब्लू मून को देख सकता है। दरअसल आसमान में ब्लू मून दिखने की खगोलीय घटना घटने वाली है और इस घटना को लेकर खगोल विज्ञानी भी अध्ययन को लेकर काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लू मून दुर्लभ होता है, ये एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा पड़ जाती है यानी पूरा चांद दिखाई देता है तो दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। ज़्यादातर ब्लू मून पीले और सफ़ेद दिखते हैं लेकिन आज का चंद्रमा सबसे अलग दिखने वाला है। नासा की माने तो ब्लू मून की घटना बहुत ही दुर्लभ होती है। इस घटना को ब्लू मून नाम दिया गया है मगर ऐसा नहीं है कि चांद दुनिया में हर जगह नीला दिखेगा। जब वातावरण में प्राकृतिक कारणों से कणों का बिखराव हो जाता है तब कुछ जगहों पर दुर्लभ नज़ारे के तौर पर चंद्रमा नीला दिखता है। ये घटना वातावरण में कणों पर प्रकाश पड़कर उसके बिखेरने से होती है। 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून की घटना हुई थी और ठीक ऐसी घटना अगली बार 30 सितंबर 2050 को होगी। 31 दिन वाले महीने के हिसाब से देखें तो साल 2018 में दो बार ऐसा हुआ था जब ब्लू मून की घटना हुई थी। उस दौरान पहला ब्लू मून 31 जनवरी जबकि दूसरा 31 मार्च को पड़ा था। गणना के अनुसार अगला ब्लू मून 31 अगस्त 2023 को दिखाई देगा। आपको बता दें कि चंद्रमास की अवधि 29.531 दिनों यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 38 सेकंड की होती है। ऐसे में एक महीने में दो बार पूर्णिमा होने के लिए पहली पूर्णिमा उस महीने की पहली या दूसरी तारीख को पड़नी चाहिए और आज आसमान में ब्लू मून का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.